Hey everybody, welcome back to our channel. मैं हूँ नेहा, कैसे आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं मडगांव एक्सप्रेस ऑफिशियल ट्रेलर और इसमें है दिव्येंदु, प्रतीक गांधी एंड अविनाश तिवारी, नोरा फतेही, ओ भाई ओके नोरा फतेही भी है इसमें। और ये मडगांव एक्सप्रेस जो हमने इसका थंबनेल देखा है ना, मेरे को बहुत अट्रैक्ट किया, तो दैट इज व्हाई टुडे वी आर हियर। और मडगांव एक्सप्रेस आप लोगों को तो पता ही है, मडगांव मतलब गोवा फॉर श्योर। और मैं भी जब गई थी फॉर गोवा तो आई वॉज ऑल्सो द सेम ट्रेन इन ऑल द, मैं इतना ज्यादा एंजॉय किया हमने गोवा, वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप्स ऑफ माई लाइफ दैट वॉज गोवा। हर वो सारी यादें, और मुझे तब पता चला कि वाई पीपल से कि यार बार बार उनको गोवा जाना है, मुझे तब पता चला। मेरे को अभी भी कभी पूछता है कि रैंडमली यार तेरे को कहाँ पे जाना है बता, आई एवरी टाइम से गोवा, आई डोंट नो वाई। और मतलब गोवा जाते वक्त या गोवा में रहते वक्त आपको लगता है यार ये क्या है गोवा में, क्या मतलब वही 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 बड़ा, जब घर जाते हो ना उसकी याद आपको आती है, दैट इज वॉट गोवा इज फॉर श्योर। मैं से लिख के ले लो, आप जब गोवा में होते हो ना आप बोलते हो कि यार क्या है ये, सिर्फ पार्टी करना, खाना पीना सोना, व्हाट इज दिस, लेकिन अब जब भी घर जाओगे ना वही आपको याद आएगा एंड आई लव दैट। सो लेट्स सी, और दिव्येंदु भी है हमारे इसमें, सो लेट्स सी हाउ द मडगांव एक्सप्रेस ट्रेलर इज गोइंग टू बी, चलिए देखते हैं। गोवा जाने का यही तो उम्र है जाने की, घर अब नहीं जाएंगे या कॉलेज खत्म होने के बाद जाएंगे गोवा, और रुपया अकेले अकेले 21 साल के हो गए, बचपन से प्लानिंग कर रहे हैं, पर एक साल गोवा तक तो लोना वाला भी नहीं गए, बहुत हो गया है माँ बाप का स्ट्रेस, अब बच्चे नहीं है जवान है। Oh. Here we come. चलो तुमने गाड़ी को कैसे एंजॉय करेंगे, जैसा पहली बार करना चाहते थे, दिस इज अनहाइजीनिक, हाय बैलेंस जी, तो स्टेन के नॉन एसी डब्बे में टॉर्चर करवाना चाहता है, उसकी मम्मी को क्या जवाब है? मर गया तो मैं क्यों मरूंगा यार, ये मुंबई टू गोवा मडगांव एक्सप्रेस हैज गॉट वन ऑफ द मोस्ट सीनिक व्यूज इन द वर्ल्ड, रात के अंधेरे में सीनिक ब्यूटी और टनल क्या टॉर्च जला के दिखाएगा, वो भी है वो, ओह भाई आई लव प्रोस्टिट्यूट, व्हाट नहीं नहीं वो मेरे दोस्त नैरो माइंडेड है, आए तो प्रवेश देखा भी नहीं आगे क्या है, गाड़ी ठोक दिया सीधे से, भाई यार दैट वॉज ऑन एन अदर लेवल, गाड़ी फिनिश और फ्लाइट से गए ट्रेन से गए आई डोंट नो, लेकिन मेरे को एक बात पता है, जो गोवा जाने की ट्रेन होती है ना आप लोगों को सारे यंगस्टर्स दिखेंगे लाइक मोस्टली, और वो आई गेस दुनिया में दुनिया और हमारे इंडिया में शायद बोल सकते हैं, इंडिया में ऐसा एकलौता ट्रेन है जहाँ पे आपको इतने सारे यंगस्टर्स एक ही ट्रेन में दिखाई देंगे, क्योंकि मैं पुणे से, पुणे वाले भी ट्रेन जब भी देखती हूँ ना द सेम फीलिंग। लेकिन हाँ, लेट्स कम टू द ट्रेलर, भाई क्या मज़ेदार, क्या मज़ेदार, वो जो मराठी एक्टर उनका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन वो एनिमल मूवी में थे, डॉल्बी वाला बजाओ में, ठीक है डॉल्बी वाला
दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से. वो गाने वो थे उनको यहाँ पे भी लिया गया. इट इज गोइंग टू बी वेरी इनसेन फर्स्ट ऑफ ऑल. और उसके बाद ये जो कोकेन एंड एवरीथिंग उनको मिल गया है उनके बेड के अंदर, भाई यार दैट इज अनदर काइंड ऑफ इनसेन थिंग. मैं बोल रही हूँ ना, गोवा एक ऐसी चीज है जहाँ आप प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते कि अब क्या होने वाला है. यहाँ पे दिव्येंदु इन हियर, पहली बात तो ही इज बीन लाइक क्या बोलते हैं छोटे बच्चे की जैसे यहाँ वहाँ भटक रहे हैं. पहली बात तो उनको कहाँ जाना है इंटरव्यू दिन कुछ नहीं पता. लेकिन ये जो ट्विस्ट आया है कहानी में, ये जो सारा क्रेजीनेस होने वाला है ना, आई गोइंग टू लव इट. और 22 मार्च को ही रिलीज होने वाला है, जस्ट इन टू वीक्स में ये रिलीज होने वाला है इन थिएटर्स नियर अस. लेकिन बहुत मज़ेदार, आई जस्ट लव इट. एक्चुअली गोवा के जो भी स्टोरीज होते हैं ना, सारे लोगों के अलग अलग होते हैं, एक लोगों का एक जैसे नहीं होता. आई लिटरली से सारे लोगों के अलग होते हैं. जब मैं गोवा गई थी, मैं क्लब नहीं गई थी फॉर सीरियस. लोग जाते हैं क्लब जाने के लिए वहाँ पे, लेकिन आई डिडंट वेंट फॉर द क्लब. मैं जा गई थी वहाँ पे फॉर फूड और वहाँ बीच पे बैठ के जस्ट बी इन पीस एंड काम उसके लिए गई थी. और शॉपिंग के लिए भी गई थी, लेकिन मन ही नहीं हुआ शॉपिंग करने के लिए, आई डोंट नो व्हाई. लेकिन ये जो हमने खाना ठूसा है ना गोवा में, वैसा खाना मैंने शायद जिंदगी ने कभी नहीं खाया. उतना ज़्यादा खाया मैंने एक दिन में, दैट वॉज इनसेन लेवल. और पूल में जाके पार्टी, मतलब हमारे जो भी रिसोर्ट जो भी हम ठहरे थे होटल में, तो वहाँ पे पूल था, पूल में मजे एंड एवरी थिंग भाई, बहुत मज़ेदार. मतलब एक गोवा की ऐसी स्टोरी, सारे लोगों की अलग अलग होती है, जैसे मेरी अलग होगी, आप लोगों की, एवरी वन, मतलब जिसका भी सेम नहीं होता. और सब लोगों के एक्सपीरियंसेस ना बहुत कमाल के होते हैं, बहुत कमाल के. और वो एक्सपीरियंस लाइफ टाइम के लिए, यू विल चेरिश फॉर योर लाइफ. आप अपने बच्चों को बताओ कैसे वाले वो मेमोरीज होते हैं, बताए हाय. एंड इन हियर ये वाला मेमोरी, यहाँ पे जो देख रहे हैं हम मड़गांव एक्सप्रेस में, ये तो अलग ही कहानी है इनकी. ये अपने बच्चों को, उनके बच्चे भी उनके बच्चों को बताएंगे ऐसी वाली कहानी है ये. बहुत मज़ेदार, बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार. अनएक्सपेक्टेडली वो चले गए थे अपने मम्मी पापा के परमिशन के बिना. मैं तो मम्मी पापा के परमिशन के साथ गई थी, थैंक गॉड फॉर दैट. लेकिन ये मम्मी पापा के बिना परमिशन के चले गए थे ये. और जो उन वो पुलिस के सारे चक्कर में गिर गए, तो अभी बाहर आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा केस है जो इट्स लाइक नॉट बीन टेकन बैक अगेन ना, ऐसा वाला केस है जो वो उन्होंने किया भी नहीं था लेकिन उनके उनके ऊपर पड़ गया. और वो लास्ट में वो लड़के बन के क्यों आए थे, वाई, ये भी एक क्वेश्चन है. लेकिन मज़ेदार था, मेरे को ऐसे वाले बहुत पसंद आते मूवीज विद द फ्रेंड्स गोइंग टू द गोवा एंड ऑल दैट थिंग्स, राइट. सो या दैट इज इट फॉर टुडे. अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा. और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो. इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना. और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज़ फॉलो दैट. थैंक यू.